नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह हूँ। रूप सिंह मैं साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने साइंस का इंट्रोडक्शन अपन देख चुके हैं और इंट्रोडक्शन में अपन पूरी तरह से देख चुके हैं। आज अपन साइंस में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। दोस्तों अपन समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहां से आई, कैसे आई। तो आप अपन देखते हैं दुनिया की हर चीज यानी कि दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है। दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है दोस्तों। आवेश यानी कि हर बॉडी में चार्ज पाया जाता है, यानी कि दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है। और आवेश यह हर बॉडी की फंडामेंटल इकाई है यानी कि मूलभूत इकाई है। दुनिया की हर बॉडी में आवेश यानी कि चार्ज पाया जाता है और यह हर बॉडी की मूलभूत इकाई है यानी कि फंडामेंटल। दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को अपन बोलते हैं धनात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। यानी कि दोस्तों दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है यानी कि चार्ज पाया जाता है और उसकी मूलभूत इकाई होती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि दुनिया की हर बॉडी में द्रव्यमान होता है। यानी कि दुनिया की हर बॉडी में द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है। यानी कि अपन ने देखा दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है यानी कि चार्ज पाया जाता है और चार्ज हर बॉडी की फंडामेंटल इकाई है यानी कि मूलभूत इकाई है। अपन ने देखा चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दुनिया की हर बॉडी में द्रव्यमान पाया जाता है और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, यानी कि द्रव्यमान क्वेश्चन आता है द्रव्यमान होता क्या है, पदार्थ की मात्रा। जैसे कि अपन 50 किलो है तो अपनी मात्रा 50 किलो, यानी कि पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। तो अपन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की, इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करने से पहले अपन ये जानेंगे आवेश क्या होता है, कहां से आया, कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई। तो अपन ने देखा दुनिया के हर बॉडी में आवेश पाया जाता है यानी कि चार्ज पाया जाता है और चार्ज इसकी फंडामेंटल यानी कि मूलभूत इकाई होती है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो अपन ने देखा कि दुनिया के हर बॉडी में द्रव्यमान यानी कि मास पाया जाता है यानी कि पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए आगे स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। दोस्तों पदार्थ यानी कि पदार्थ को अपन ने दो भागों में बांटा, यौगिक और तत्व। अब बात आती है तत्व क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। जैसे कि O2, H2 यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यानी कि O+ जुड़कर ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो यह मतलब कि तत्व होता है जो दो परमाणु से जुड़कर, दो या दो से अधिक परमाणु से जुड़कर मिला होता है, तत्व कहलाता है। यानी कि पदार्थ वह होता है जो पदार्थ होता है, पदार्थ यानी कि जगह घेरता हो, यानी कि पदार्थ होता क्या है, स्थान घेरता हो या जगह घेरता हो या उसका कुछ निश्चित आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। तो अपन ने ऐसे पदार्थ को दो भागों में बांटा, यौगिक और तत्व। तत्व मतलब कि परमाणु उस मिलकर तत्व बने होते हैं, जैसे O+ से मिलकर O2, H+H यानी कि H2। तो अपन ने देखा ये, तो अपन देखेंगे अब आगे, अपन देखेंगे परमाणु एटम। और एटम देखने से पहले अपन ये मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और बॉडी का ये नाभिक है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कुछ भी, कोई भी पदार्थ हो उसका भार हमेशा बीच में होता है। ये इसका नाभिक है तो ये इसका केंद्र है यानी कि न्यूक्लियस है। तो यह इसका मास यानी कि इस बॉडी का द्रव्यमान यहां पर है।
अपन ने देखा कि दोस्तों इस बॉडी का द्रव्यमान इसके केंद्र में है और इस बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस बॉडी के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं यानी इसका द्रव्यमान इसकी बॉडी के केंद्र में अपन कह सकते हैं नाभिक में होता है। तो अपन इसको देखिए दोस्तों, प्रोटोन न्यूट्रॉन यानी कि जो इसका द्रव्यमान है वो प्रोटोन और न्यूट्रॉन पे ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसकी बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहे और इलेक्ट्रॉन का भार न के बराबर है इसलिए इलेक्ट्रॉन का भार नहीं होगा इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही भार होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भार नहीं लिया जाता है इसमें। इलेक्ट्रॉन को यहां पर बाहर की कक्षा में चक्कर लगाने के कारण उसको नगण्य मान लिया जाता है क्योंकि यहां पर मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है यानी कि इन दोनों को अपन कह सकते हैं केंद्रक या केंद्र कह सकते हैं यानी कि न्यूक्लियस यानी कि अपन कह सकते हैं नाभिक। तो अपन ने देखा दोस्तों दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है यानी कि चार्ज पाया जाता है और चार्ज उस बॉडी की फंडामेंटल यानी कि मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद अपन ने देखा चार्ज दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। अपन ने देखा कि हर बॉडी में द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान हर बॉडी में द्रव्यमान होता है, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अपन ने उसके बाद देखा कि पदार्थ पदार्थ जो मतलब कि जगह घेरता है और उसका कुछ न कुछ वॉल्यूम वो पदार्थ कहलाता है। अपने तत्व और यौगिक देखा, उसके बाद अपन ने एक पिंड लिया यानी कि एक बॉडी ली और अपन ने उसको देखा कि उसका भार हमेशा बीच में है यानी कि भार उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर कर रहा है यानी कि उसके केंद्र पर, इसको अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसका केंद्र कह सकते हैं यानी कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी बाहर की कक्षा में चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन का भार यहाँ पर नगण्य मान लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए आगे यहां से अपन ने देखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक एक को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है यानी कि नाभिक के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन 1897 ईस्वी में की थी यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है इसलिए इसका 1.6 × 10⁻¹⁹ जो माइनस का इसका आवेश है यानी कि इसका चार्ज है कूलम। दोस्तों क्वेश्चन आता है कूलम है क्या, यानी कि कूलम आवेश की ऐसा ही यूनिट है। अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और कूलम आवेश की ऐसा यूनिट है। अपन देखते हैं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और प्रोटॉन को नाम रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। प्रोटॉन की खोज 1896 में हुई थी, प्रोटॉन की खोज 1896 में हुई और रदरफोर्ड ने की 1911 में गोल्डस्टीन ने नाम दिया था इसको प्रोटॉन। तब अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन के बाद अपन ने देखा प्रोटॉन की खोज 1896 में रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैं कूलम आपको बता चुका हूं आवेश की यूनिट, आवेश की इकाई होती है। अब अपन देखते हैं न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होने के कारण इसकी खोज थोड़ी देरी से हुई और इसकी खोज की गई 1932 ईस्वी में। दोस्तों अपन ने देखा कि हर चीज दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है और आवेश दुनिया की हर बॉडी में आवेश पाया जाता है और आवेश हर बॉडी की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद अपन ने देखा बॉडी में द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान उसके उसके बाहर पर निर्भर करता है, यानी कि हर बॉडी का द्रव्यमान उसके बाहर पर निर्भर करता है। उसके बाद अपन ने देखा एटम, यानी कि अपन ने एक पिंड देखा और पिंड का न्यूक्लियस देखा, यानी कि उसका बाहर हमेशा पिंड उसके मतलब नाभिक की ओर लगता है। नाभिक में देखा अपन ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बाहर को अपन ने इस कारण नगण्य मान लिया। उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन को देखा, प्रोटॉन को देखा, न्यूट्रॉन को देखा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे.जे. थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, नाम रदरफोर्ड ने 1911 में प्रोटॉन खोज 1896 में। अपन ने देखा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का था, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी और इसकी खोज थोड़ी देरी से 1932 ईस्वी में। आवेश यानी कि अपन ने देखा आवेश यानी कि चार्ज, अपन चार्ज को देख चुके हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। चार्ज के कारण दुनिया की हर चीज अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण करती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण करती है। यानी कि दुनिया की अपन सोच हर चीज आकर्षण यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना और प्रतिकर्षण यानी कि एक दूसरे को दूर दूर, यानी कि अपन देखेंगे जब अपन एक चीज पॉजिटिव और एक चीज नेगेटिव लेंगे, एक चीज पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव लेंगे, तो मतलब कि हमेशा समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो इनों में आकर्षण होगा और अपन नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे तो भी इनमें आकर्षण होगा। लेकिन दोस्तों जब अपन पॉजिटिव और पॉजिटिव लेंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, और अपन नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो भी एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। कहने का मतलब दोस्तों समान समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब अपन देखेंगे विद्युत धारा। यह अपन ने देखा कि कहां से इलेक्ट्रॉन, कहां से प्रोटॉन, कहां से न्यूट्रॉन, कैसे मतलब कि चक्कर लगाते हैं, कहां इनका भार होता है। अब अपन हेडिंग डालिए विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा आपने देखा होगा यहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है। अपने इससे पहले अपने बेसिक क्लियर किया, दोस्तों बेसिक क्लियर करना जरूरी है। और अपन ने विद्युत धारा आवेश के प्रभाव की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दोस्तों अपन ने देखा आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश के प्रवाह की दर को फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को, यानी कि कोई भी आवेश यानी कि कोई भी चार्ज मोशन कर रहा है। विद्युत धारा भी दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक और एक मोशन, यानी कि एक स्थिर विद्युत धारा और एक गतिशील विद्युत धारा। स्थिर विद्युत धारा आप देखेंगे जब अपन बाड़ों में कंघी डालते हैं, तो मतलब कि अपन कंघी डालने के बाद उसको कागज के टुकड़े टुकड़े पर रखते हैं तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षण करता है, वह मतलब कि स्थित विद्युत धारा है। लेकिन जब अपन मतलब कि किसी निश्चित प्रवाह से किसी यहां से यहां पर धारा ले जा रहे हैं, यानी कि उससे आवेश प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो अपना अपना मोशन वाली विद्युत धारा है। इस जैसे प्रकार अपन देखते हैं कि अपन मतलब दो
दो तार एक दूसरे से समान मतलब कि कम दूरी से जाते हैं तो जो चीर चीर की आवाज आती है, इसी प्रकार जब अपन सर्दियों में अपना स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर उतारते समय जब बाड़ों की चिपकता है तो भी चीर चीर की आवाज आती है, क्योंकि दोस्तों वहां भी हर बॉडी में मैंने बताया आपको आवेश पाया जाता है, इसी कारण अपन सोचते हैं कि ये आवाज किसकी आ रही है, तो आवेश के कारण इस प्रकार की आवाज होती है। तो अपन ने देखा विद्युत धारा आवेश के प्रभाव की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो दोस्तों अपन ने देखा आवेश का मात्रा कूलाम होता है। अब अपन देखेंगे विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्शन करंट। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट। यानी कि दोस्तों विद्युत धारा अपन ने देखी दो प्रकार की होती है, विद्युत धारा देखिए अपन ने आवेश के प्रभाव की दर को धारा कहते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, और विद्युत धारा आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अपन ने देखी विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी करंट, यानी कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। दोस्तों प्रत्यावर्ती, अब अपन देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अपन प्रत्यावर्ती धारा को देखेंगे, और दोस्तों अपन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रिसिटी से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि एसी प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों कहने का मतलब यह होती है, डायग्राम से अपन इसको समझेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा है यानी कि वह धारा जो समय के साथ परिणाम और दिशा दोनों चेंज होती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हमारे भारत में प्रत्यावर्ती धारा अधिकतर घरों में अपने प्रत्यावर्ती धारा आती है, जबकि दिष्ट धारा सेल और बैटरियों में पाई जाती है। प्रत्यावर्ती धारा ये होती है दोस्तों, जबकि दिष्ट धारा ये है। प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर यह है, प्रत्यावर्ती धारा समय के सापेक्ष परिणाम में दिशा दोनों समान होते हैं, जबकि जबकि दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती समय के सापेक्ष मान परिवर्तन नहीं होते हैं। अपन देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो अपन ने प्रत्यावर्ती धारा देखी परिणाम में दिशा समय के सापेक्ष परिणाम व दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित। तो अपन ने देखा प्रत्यावर्ती धारा में परिणाम व दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पाई जाती है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक यानी कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये देखा अपन ने। और 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 220 वोल्ट धारा, 230 वोल्ट, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ 230 में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बुकों में 220 भी आता है, अगर ऑप्शन में 220 आता है तो आपको 220 करना है, लेकिन 220 और 230 दोनों आ जाते हैं तब आपको 230 पर टिक करना है। तो अपन ने देखा प्रत्यावर्ती धारा से परिणाम में दिशा समान होता है, प्रत्यावर्ती धारा में परिणाम में दिशा समान होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों एसी धारा से अपन को डीसी में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने देखी दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को अपन ने डायग्राम से समझा, यानी कि समय के साथ परिणाम में दिशा दोनों चेंज होती है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, इस प्रकार का डायग्राम अगर प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम भी आ जाता है तो आपको मतलब कि दिष्ट धारा इस प्रकार का आएगा, तो ऑप्शन में यही कहेगा, एक ऑप्शन ये दे देगा तो ऑप्शन देगा अपन को ए बी ए पी और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपसे प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम पूछे तो अपन को ए पे क्लिक करना है, क्योंकि तो प्रत्यावर्ती धारा समय के सापेक्ष मान और धारा दोनों परिवर्तित होती है। तो अब अपन देखेंगे दोस्तों दिष्ट धारा,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिष्ट धारा समय के सापेक्ष मान उसका परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि दिष्ट धारा एक ही डायरेक्शन में मतलब एक विमीय दिशा में बहने के कारण या एक विमीय दिशा में बहती है, एक विमीय दिशा में बहती है ये। यह धारा सेलों और बैटरियों में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों देखा आपने, दिष्ट धारा में परिणाम दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता, ये एक विमीय होती है यानी कि एक दिशा में गति करती है ये, और सेलों और बैटरियों में बहती है ये। तो दोस्तों आपको ये हुई अपनी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेनों में जो अपन मोबाइल चार्ज करने के लिए वो लगा होता है, कितने वोल्ट का होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया था वो।